गाइस so, स्वागत hey आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में मैं आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वह अक्षिता कॉटन लिमिटेड अक्षिता कॉटन लिमिटेड के लिए एक तो आप देखो कोई बैड न्यूज़ निकल कर आई है एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है उन सबके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इसके फंडामेंटल कैसे हैं स्टॉक में कब तेजी बनने वाली है जी हाँ स्टॉक में जल्दी तेजी बनेगी कब बनेगी वो भी आपको बताएंगे और हमें उस करंट लेवल के ऊपर क्या स्टॉक में एवरेज करनी चाहिए या फिर स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए वो आपको डिटेल में बताएंगे तो बिना स्किप की वीडियो को एंड तक वॉच करना पहले आपको बता देते हैं जो बैड न्यूज निकल कर आ रही है वो ये है कि यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक को जो एएसएम स्टेज है उसके अंदर डाल दिया गया फर्स्ट स्टेज में एक्टिव स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है तो ये नेगेटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं इसी आप लोग जो अभी देखो जो सेबी है वो इसके ऊपर जो है कार्रवाई कर सकती है क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक्सचेंज ने भी क्लेरिफिकेशन मांगा है कि भी स्टोक अचानक ये क्या हो गया क्यों स्टॉक इतनी बुरी तरीके से टूट रहा है कुछ ना कुछ तो घपला भी तभी जो शेयर है वो देखो मेन चीज़ क्या होती है जब किसी स्टॉक में गिरावट होती है या फिर किसी स्टॉक में तेजी आती है उसके पीछे का जो रीजन है वो क्लियर हो जाता है ना अभी आप लोगों का कोई भी आप लोगों इन्वेस्टर मान लीजिए इसके अंदर अगर गिरावट का या फिर तेजी का रीजन क्लियर हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है जी हाँ आपका जो संतुष्टि वो हो जाती है अभी स्टॉक में इस वजह से ये हुआ है या फिर इस वजह से ये हुआ है तो यहाँ पर जो ये तेजी से आप देखो कित दिन गिरावट हुई है एकदम पब्लिक पूरी के पूरे जो पब्लिक वो बौखला गई एकदम से 20 परसेंट स्टॉक टूट गया फिर अगले दिन फिर 20 परसेंट उसके अगले दिन फिर 10 परसेंट फिर लगातार तीन दिन दस दस परसेंट स्टॉक टूटे तो पब्लिक परेशान हो चुकी थी और इन सब के चलते इस शेयर के पीछे जो तेज़ी के पीछे का रीजन था गिरावट उतनी बड़ी तेज़ी आई थी एकदम से गिरावट आई थी स्टॉक में वो ऑपरेटर गेम था इसके चलते आप देखोगे भी जो कंपनी इसने अपना क्वालिफिकेशन भी दिया और कंपनी ने जो ना भी आप देखोगे मार्केट को जिम्मेदार ठहराया है कि मार्केट के अंदर जो ये मूवमेंट्स बने हैं उसी की वजह से स्टॉक में ये गिरावट आई है यानी जो बिकवाली का प्रेशर स्टॉक पे बढ़ा है यही सबसे बड़ा रीजन है तो चलिए भैया अब आप आपको दिखाते हैं गुड न्यूज क्या निकल कर आई है गुड न्यूज ये है कि स्टॉक आपको जो अब अभी 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 दस दस परसेंट नहीं सिर्फ और सिर्फ पाँच परसेंट से टूटते नजर आने वाला यानी पाँच परसेंट का इसका जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पर कर दिया गया है यानी स्टॉक पाँच परसेंट अप जा सकता है और पाँच परसेंट ही डाउन आ सकता है तो इन सब के चलते आप देखोगे स्टॉक में वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे लगने लग चुकी है तो यहाँ से स्टॉक में अब फिर से तेज़ी के संकेत आ चुके हैं तो जिन भी इन्वेस्टर्स का यहाँ पर ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है हाई लेवल से उन्हें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अब अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी के लिए जो अभी चलना चाहिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे जब स्टॉक नीचे के लेवल से चलना स्टार्ट होगा ना तब एकदम आप लोग एवरेज नहीं कर पाओगे क्योंकि उस दिन आपको शेयर मिलेंगी नहीं स्टॉक सीधा यूसी में लोग होगा और वहाँ पर कोई सेलर होगा नहीं और ये धीरे 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 करके जो ये बड़े इन्वेस्टर ना ये अपनी होल्डिंग मजबूत कर लेंगे फिर एकदम से स्टॉक को पंप कर देंगे तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ जब स्टॉक थर्ट सॉरी थर्टी से नीचे आ जाए ना जब पैंतीस के अगर नीचे में स्टॉक निकले तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट कर देना तो चलिए भाई अब देखते हैं इसकी जो बैड न्यूज है गुड न्यूज है वो मैंने आपको बता दी है अब हम देखते हैं इसके फंडामेंटल कैसे हैं क्या कै ये शेयर फिर से उस लेवल पर जा पाएगा या फिर नहीं तो चलो तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग ऑफ कॉटन ब्लेज एंड कॉटन सीड्स तो यहां पर आप लोग देखोगे कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो यही है उन सबके साथ साथ आप देखोगे यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी का देखने को मिल रहा है सात करोड़ का इसके अपोजिट कंपनी के ऊपर जो डेफ्ट है वो 6 करोड़ 50 लाख का है स्टॉक पी फिर आप देखोगे 43 पर आ चुका है अच्छी बात है ये धीरे आते नजर आ रहे हैं कम होते नजर आ रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है अभी स्टॉक अच्छी रेंज में आ जाएगा आर आप देखोगे अभी तकरीबन अड़तीस पर पहुंचा हुआ था और जो आर है वो आप देखोगे फोर्टी पर है वहीं अगर बात करें शेयर होल्डिंग

होना चाहिए वे लोबन जो इसका एनुअल प्रॉफिट है सत्रह करोड़ के आसपास है और फ्री कैश फ्लो की बात करें तो छः करोड़ पचास लाख का इन्वेस्टमेंट है नहीं और जो कंपनी आपको डिबिटी भी दे रही है पॉइंट वन थ्री परसेंट से तो ऐसे में देखो कि फंडामेंटली स्टॉक ठीक ठाक है बट स्टॉक में जो गिरावट हुई है ना ये सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर बहुत खतरनाक गेम चल रहा था तो ये एक आप देखो अभी ऑपरेटन को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और ऐसे शेयरों को लेकर हमारी वीडियो पर कमेंट भी आए थे कि बहुत सारे स्टॉक जो टूट जाते हैं भाई टूटते ऐसे ही नहीं है कुछ ना कुछ तो रीजन होता है ना उनके पीछे टूटने का तो वो रीज़न तो यहाँ पर आप लोग समझो ना अभी रीज़न क्या है तो यहाँ से आप देखोगे स्टॉक ने जिस लेवल से भागना स्टार्ट किया था ना अभी प्रीवियस एक साल के अगर मैं चार्ट देखूँ तो सोलह रुपये पैसे के भाव से चलना स्टार्ट किया था वहाँ से शेयर के अंदर एक अच्छी तेजी बनी हुई थी लेकिन लास्ट में आकर जब यहाँ पर ये पूरा गेम इसके अंदर हुआ तब जाकर आप देखोगे स्टॉक में ये बिग मूवमेंट्स हमें बनते नजर आए हैं यानी ये शेयर यहाँ से आप देखोगे अभी बहुत बड़ी करेक्शन पे हमें देखने को मिलने वाला है तो ऐसे में जब स्टॉक में तेजी बनेगी तो वहां से शेयर है वो नीचे के लेवल से आप देखोगे तीस से चालीस परसेंट के आसपास आपको भागते नजर आ सकते हैं और वहां पर आप लोग जो अभी एवरेज करके जल्द से जल्द अपना पंद्रह बीस परसेंट जैसे स्टॉक ऊपर भागे तो स्टॉक को सेल करके बाहर निकल लिए अगर ऐसे ही आप लोग लालच करके बैठे रहोगे कि शेयर जो ना भी 82 पर फिर से जाएगा जिस लेवल से टूटा ना शेयर उस लेवल पर फिर से जाएगा तो वो आपका सबसे बड़ा वहम होगा वहां तो शेयर जाएगा नहीं और आप लोग इसके अंदर जो ना भी ऐसे फंसे रहोगे जब स्टॉक थोड़ी बहुत तेजी दिखाएगा फिर ऊपर के लेवल से बिकवाली बढ़ेगी फिर स्टॉक उससे भी नीचे जाएगा ठीक है जहाँ से भागा उससे भी नीचे फिर स्टॉक एक दो दिन चलेगा ऊपर फिर उससे भी नीचे जाएगा तो ऐसे कर करके आप देखोगे स्टॉक लास्ट में ये दस रुपये के आसपास आते नजर आ सकता है तो ऐसे में हमें इस शेयर के अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं करना है ठीक है आप देखोगे भी क्या कुछ इसके फंडामेंटल है कैसा इसके अंदर जो है अभी हमें गेम देखने को मिला है इस वॉल्यूम के चलते आप देखोगे स्टॉक में ये पंप आया पहले भी स्टॉक में अच्छी वॉल्यूम लग गई लगती थी जिसके चलते स्टॉक जो है अभी आपको धीरे 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 करके एक हाई लेवल पर एक ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुका था जिसके चलते स्टॉक अब जो है नॉन स्टॉप टूट रहा है तो ऐसे में आप देखोगे स्टॉक में काफी बड़ी करेक्शन आ चुकी है अब स्टॉक के अंदर जो तेजी के संकेत है वो बढ़ रही है तो थोड़ी थोड़ी एवरेज करना स्टार्ट कर दीजिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आगे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो